नमस्ते साथियों, मैं एसएस महादेवे बोल रहा हूँ, ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन की महासचिव। साथियों, मैं आज वीडियो के अंदर, मुझे दो तीन दिन से बहुत ही क्वेरी आ रहा है व्हाट्सएप में, कुछ लोग मेल भेजा है, कुछ लोग हरियाणा इत्यादि से फ़ोन करके भी पूछा है, बहुत तरह का सोशल मीडिया में क्वेरी रेज कर रहा है रिगार्डिंग थर्ड लिस्ट का रिक्रूटमेंट रूल के संबंध में, और कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हो रहा है, इस तरह कुछ प्रोसीजर के संबंध में कर रहा है। मैंने भी आज बाहर बेंगलुरु में था। साथियों, आज हम डायरेक्टरेट से इंफॉर्मेशन मिला है कि जल्दी अभी थर्ड लिस्ट अनाउंस हो जाएगा। कब तक? 3 और 4 तारीख के अंदर हो जाएगा। आपका मालूम होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिपोर्ट करने का समय कल का आखिर डेट है बोला जा रहा है, 30 अप्रैल का लास्ट डेट है। इसके बाद 2-3 दिन के अंदर थर्ड लिस्ट आ जाएगा। कितना पोस्ट? 16,000 से अधिक जीडीएस पोस्टों का अभी भी भरना है। अभी तक 24,000 लोग रिपोर्ट किया है, 16,000 से अधिक लोगों का ये अभी अगली थर्ड लिस्ट में आएगा। कर्नाटक में चुनाव के बाद 11 तारीख को 11 मई को आएगा। यदि अभी 3, 4, 5, 6 में डेट एग्जैक्ट नहीं बोल रहा, क्योंकि कुछ समय टेक्निकल प्रॉब्लम चल जाता है, इलेक्शन कमीशन हो, किसी का पूछो, हायर ऑफिसर्स बोलो, वो तो डिपार्टमेंट इसका प्रोसीजर कर सकता। उम्मीद है कि 3-4 के अंदर थर्ड लिस्ट आ जाएगा। यही 16,000 पोस्टों का, ज़्यादा पोस्टों का दोबारा हारा है। अभी साथियों, सोशल मीडिया में क्या बोल रहा है? कुछ मैं पिछली वीडियो में भी यही बताया था, कोई लोग, आप लोग वीडियो नहीं देख रहा है, आपका लिस्ट में आया है, इसका मुताबिक आप क्या ऑनलाइन में अप्लाई किया है, यही डॉक्यूमेंट का लेके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। मैं स्कूल में चेंजेस, कुछ इशू आया, ये कुछ 2-3-4 सर्कल के लिए 2 दिन एडिट करने के दिया था, बाकी सर्कलों में नहीं दिया था, इसके कारण भी कुछ लोग का तकलीफ हो रहा है, ये लोग भी चैलेंज वगैरह कर रहा है। साथियों, यही एक प्रश्न में यही बार बार बोल रहा हूँ, आप डॉक्यूमेंट का कैसे अप्लाई किया, इसी प्रकार चल के वेरिफिकेशन करना, बहुत इतना कुछ समस्या होता है ग्रामीण डाक सेवक का, 4 घंटा 5 घंटा इत्यादि में, क्योंकि क्लास है शोषित इतिहास, आज कुछ समय से कुछ बदलाव आ रहा है, इसमें बहुत कुछ बदलाव कभी है। बिना डरे आप लोगों, यदि आपका अवसर मिला हो तो आप ड्यूटी रिपोर्ट करने के लिए कोशिश करिए, क्योंकि 16,000 से ज़्यादा पोस्ट आ रहा है, दोबारा फोर्थ लिस्ट भी आएगा, यदि एक ही बार नहीं भरेगा। ये प्रोसेस कब तक चलेगा? 30 जून तक ये सिलसिला चलेगा। कितना लोग अभी पहले लिस्ट में आया, रिपोर्ट किया, इसमें चल जाएगा, इसमें अगली फोर्थ लिस्ट में, फिफ्थ लिस्ट में, इस तरह दे सकता। आपका जानकारी के लिए और एक ड्राइव शुरू कर रहा है 15 मई के बाद, ये सुनने आ रहा है, इसका प्रोसेस फाइल वगैरह चल रहा है, डायरेक्टरेट में प्रपोजल है, ऑलरेडी एक ऑर्डर आ चुका है, यही 12,000 नया क्रिएशन हुआ उनको भर सकता। यदि 30 जून के अंदर साइकिल पाई का सार 1-2 हो चुका है, 3-4, इसके बाद कितना लिस्ट निकलने के बाद टोटल कितना 30 जून तक रिपोर्ट हो गया, फिर इसने होता है अगली साइकिल, मतलब इसका जून के बाद अलग साइकिल होगा, अभी स्पेशल ड्राइव करेगा, इसलिए आप लोग थोड़ा पेशेंस से देखो। बहुत लोग मैसेजेस उनका देखता नहीं है, कुछ लोग कोई वीडियो का पूरा देखता नहीं है, ये यराबिरी में चल के रिजेक्ट करके आ रहा है, इसलिए आप लोग डॉक्यूमेंट का तैयारी रखो। हाँ, परसेंटेज है, परसेंटेज में इस बार थोड़ा हल्का नीचे उतरेगा, यही मैं पहले बोला, बीओ से अपरक रहेगा, डिवीजन से ज़्यादा रहेगा। अभी एग्जांपल आंध्र में ज़्यादा परसेंटेज रहेगा, हो सकता तमिलनाडु में और ये झारखंड इत्यादि में कुछ कम आ सकता, क्योंकि बहुत लोग दूर दूर चल के भी अप्लाई किया है, सो मार्क्स वाला, इसलिए परसेंटेज में थोड़ा परिवर्तन तो आएगा। पिछले हम लोग देखा था 71.5 कभी कुछ महाराष्ट्र में लिया है, इस तरह इस बार भी आएगा, इसलिए थोड़ा ये आप लोग पेशेंस रखो। यदि मिलो हो तो आप आके क्ले करो, यही अपडेट देने के लिए किया। यदि हम लोग का इसके ज़्यादा एक कोई इंफॉर्मेशन मिला हो तो ज़रूर मैं हम लोग वीडियो के द्वारा आप लोग के
ध्यान में लेके आने की कोशिश करेगा। कृपा करके इस वीडियो का लोगों का देखने के लिए फॉरवर्ड करने का कष्ट करें। धन्यवाद, जरूर हम लोग आपके बीच में रहेगा। थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू।